अपने पुरुषार्थ के बल से प्राप्त की जा सकती है। जागतिक धन हो, जागतिक बल हो, समाज की प्रतिष्ठा हो, यहाँ तक के स्वर्गाधिक लोगों के सुख की भी कामना अगर जीव करे में अनेक प्रकार के काम कर्मों की व्यवस्था है और उन काम कर्मों को सही रूप से कर करके स्वर्गाधिक तक भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन श्री महाप्रभु के धाम और श्री वृंदावन इत्यादि धाम में प्रवेश करने का अधिकार केवल और केवल उनके आराधन की बात की गई है। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री महाप्रभु के चरित्र को बहुत ही मधुर और बहुत ही विस्तारित रूप में श्री चैतन्य भागवत के मध्य लिखा। उन चैतन्य भागवत के प्रथम 5 श्लोकों में मंगलाचरण में उन्होंने 5 श्लोक कहे कि चैतन्य प्रिय गोष्ठी प्रणामे, मैं श्री महाप्रभु के उन प्रिय श्री महाप्रभु की उस प्रिय गोष्ठ को प्रणाम करता हूँ। कैसे प्रणाम करता हूँ? बोले अशेष प्रकार मोर दंड प्रणामे। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु की महिमा गाने से पहले सर्वप्रथम जो उन्होंने भाव रखा है कि प्रिय गोष्ठ को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री महाप्रभु के प्रिय गोष्ठ ही जो है उनकी लीला को विस्तारित करते हैं। यहाँ विचार ये है कि जब भी भगवान इस भूमि पर आते हैं, अवतार लेते हैं, तो अपने समस्त पार्षदों के साथ आते हैं, तो पार्षदों के कारण ही अशेष रूप से मेरा इन समस्त गौर पार्षदों को प्रणाम है, इन समस्त आचार्य वृंद को मेरा प्रणाम है। प्रणाम किए बिना श्री चैतन्य भागवत की उन्होंने आरंभ नहीं किया। बोला तभी श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र महामहेश्वर, तब मैं महाप्रभु के इन समस्त भक्तों को प्रणाम करने के पश्चात तब मैं श्रीमन महाप्रभु जो कि महामहेश्वर है तब मैं उनको प्रणाम करूंगा। पहले मैं समस्त भक्तों को प्रणाम करूंगा, उस जो उनकी हृदय की विज्ञप्ति है उन्होंने वहां पर प्रकट की है। फिर वो कह रहे हैं देखो कि अमार पूजा, कि मेरी पूजा से अमार भक्तेर पूजा आवाहित बढ़ सही वेद भागवत प्रभु कैलास दृढ़। इस बात को श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख से सर्वत्र कहा है कि मेरी पूजा से श्रेष्ठ, मेरी पूजा से श्रेष्ठ। तब तब जो ही ये स्मरण आया तब श्री वृंदावन दास ठाकुर के हृदय में अपने इष्ट देव, अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु जी का स्मरण आ गया। उन इष्ट बंदे मोर प्रभु नित्यानंद चैतन्य कीर्ति स्मृत हो रही है, जिनके हृदय में श्री महाप्रभु के प्रति किंचित मात्र भी भावधारा का उदय हो रहा है, ये समस्त समस्त श्रेय इसको जाता है इष्ट बंदे मोर प्रभु श्री नित्यानंद राय। उन श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही ये समस्त धाम जो है प्रकाशित हुआ। बड़े दयाल प्रभु नित्यानंद राय के इन नित्यानंद प्रभु जी ने इस नवदीप धाम को प्रकाशित किया। तो हम उन्हीं नित्यानंद प्रभु से अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म के इस समाधि से बैठे हैं। कल हमने श्रवण किया जहां पर भी हमारी बुद्धि बिल्कुल सम्यक रूप से, जहां पर श्री गुरुदेव अपने नित्य स्वरूप में विराजित हैं, ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि समाधि स्थली एक प्रकार का निकुंज मंदिर है। उस निकुंज मंदिर के भीतर ही श्री गुरु पाद पद्म ने हमें स्थान दिया। आप सब थोड़ा आगे आ गया जी, थोड़ी इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, सब इतने सब जगह से जितना भी हृदय का जो उबाल था 2 सालों का वो सब इस बार पूरा हो रहा है। और यही कृपा है, ये सामान्य नहीं, अपने पुरुषार्थ से किसी ने यहाँ पर प्रवेश नहीं किया तो अपने पुरुषार्थ अभिमान का त्याग करके वास्तविक धाम में दर्शन हो सकता है। तो श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों की वंदना करने के पश्चात श्री वृंदावन दास ठाकुर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि रे काष्ठेर पुतली ये कुहक नचाए। जिस प्रकार एक काष्ठ की पुतली को एक कुहक जो है अपने आप ही नचाता है, लोग सोचते हैं कि काष्ठ की पुतली अपने आप नाच रही है, लेकिन उसको नचाने वाला कौन है, उसके पीछे कुहक है। और उसी प्रकार से कई मते गौर चंद्र मोरे बुलाए, उसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु मेरे मुख से जो बुला रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु मेरे मुख से जो लिखवा रहे हैं, मैं उसी की ही कीर्ति कर रहा हूँ, मैं उसी को ही जो लिख रहा हूँ। तो इतने अभूतपूर्व रूप से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्रीमन महाप्रभु की महिमा का वर्णन किया है कि जहां जहां पर भी उन्हें अवकाश मिला वहां पर उन्होंने ये कह दिया कि आदि खंड की श्रीमन महाप्रभु की यह जो नदिया की जो लीला है, आज हम सुबह गए निर्गई घाट गए थे, विरह जनित स्थान है वह,
विनय से पूर्ण रूप से आह्लाद स्थान रहे वृंदावन दास ठाकुर ने उस मध्य खंड के 3 अध्यायों में श्रीमद महाप्रभु के इस संन्यास लीला का वर्णन किया और बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है वहां पर। जितने भी अध्याय हैं उन सब अध्यायों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। महाप्रभु की जन्म लीला हो, महाप्रभु का जो जितने की विद्याविलास लीला है उसका बड़े विस्तार से वर्णन किया। महाप्रभु जो है गया धाम गए, गया से उनकी शिष्योनी कृपा से उनकी दीक्षा हुई, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया। लेकिन जब श्रीमद महाप्रभु की संन्यास लीला का समय आया तो कुछ ही पृष्ठों में उसको समेट दिया, ज्यादा विस्तार नहीं किया। यही ही इस बात का संकेत देता है कि एक विरही और एक अंतरंग भक्त कभी भी इस बात को लिखने में उसके हाथ कांपेंगे कि श्रीमद महाप्रभु जो है वह नदियां छोड़ के गए। जैसे श्री यशोदा जी के निकट अगर कोई ये बात कहे कि पूर्व काल में ये आपके घर पूतना आकर के आपके बालक को ले गई थी, ये लीला हम श्रवण कर सकते हैं क्योंकि संबंध विहीन है। लेकिन श्री यशोदा जी जो ही इस बात को सुनती हैं कि पूर्व काल में पूतना आई, उसी समय यशोदा जी का सारा स्वरूप जो है उस समय कंपित हो जाता है, उनका हृदय कंपन, उनके हृदय में कंपन शुरू हो जाता है। किस कारण से? भय से। जहां संबंध होगा वहीं पर ही भय होता है। श्रीवृंदावन दास ठाकुर जी 3 अध्याय में केवल छोटे सूत्र में यह बात कही कि श्रीमद महाप्रभु ने संन्यास लिया। महाप्रभु शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर पे गए, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर पे जाकर के श्रीमद महाप्रभु ने वहां पर कहा कि आप जो है भोग उसको निवेदित कीजिए। बड़े सुंदर रूप से वहां पर भोग जो है बनाया। भोग बनाने के पश्चात श्रीमद महाप्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभुपाद जी ने टीका बड़ी सुंदर बात कही है। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर का जो अन्न था वो किस प्रकार था? शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर का अन्न था भिक्षा द्रव्य। एक द्रव्य होता है जिसमें दाता का अभिमान होता है कि मैंने दिया, उस अभिमान की शुद्धि ही जो वैष्णव जन करते हैं कि मैं देने वाला हूं। तो श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि हे शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी, ऐसा अन्न मैंने कहीं नहीं पाया जिस तरीके से आपने परिवेशन किया है, और महाप्रभु जिस प्रकार से नदिया वासियों के साथ व्यवहार कर रहे थे उसमें विज्ञ जनों को पता चल गया कि श्रीमद महाप्रभु अपने इस संन्यास की भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमद महाप्रभु के निकट एक समय विद्यार्थी आए, महाप्रभु गोपी 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 भाव नाम ले रहे हैं, गोपी 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 बालक। उस विद्यार्थी ने कहा, अरे सब शास्त्र जो है तारक ब्रह्म श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि सबको श्री कृष्ण नाम लेना चाहिए, आप गोपी गोपी कह रहे हैं, आप मेरे को ये बताइए शास्त्र के कौन से पृष्ठ पे लिखा है कि हमें गोपी नाम लेना चाहिए। श्रीमद महाप्रभु के उस भावधारा को अवरुद्ध कर दिया। जो ही श्रीमद महाप्रभु की उस भावधारा को अवरुद्ध किया, श्रीमद महाप्रभु हाथ में छड़ी लेकर के भागे। बड़ा बहुत ही मैं कहूंगा बहुत ही मौलिक विचार है यह। कैसे? बहुत बार भक्त लोग वैष्णव के निकट आते हैं, वैष्णव के निकट आकर के कोई प्रश्न पूछते हैं, अपनी कोई समस्या कहते हैं, और बहुत बार वैष्णव जन उसका उत्तर नहीं दे पाते किसी कारण से। तो वो कहते हैं, अरे हम अमुक अमुक वैष्णव के पास गए, अमुक सन्यासी के पास गए, वह तो हमें समय ही नहीं देते, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। अब उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उस समय वह वैष्णव कौन सी भावधारा में प्रभावित हो रहा है, कौन सी भावधारा में वह उस समय प्रभावित हो रहा है, उसका जो व्यवहार है जो उस समय उसने किया वह किस भावधारा में किए, इसको जानना सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है। श्रीमद महाप्रभु के उस भावधारा को अवरुद्ध जो ही किया ये कह करके कि कृष्ण नाम लेना चाहिए, आप तो गोपी गोपी नाम लेते हैं, महाप्रभु छड़ी लेकर के भागे। और वो बालक जो था, वो जो विद्यार्थी था, जब अपनी गोष्ठी में गया उसने कहा, ओ बोले निमाई पंडित को लोग वैष्णव कहते हैं, श्रीमद महाप्रभु तो यहाँ पर अपने विद्या विलास में एक तार्किक पंडित के रूप में विख्यात थे। महाप्रभु से कोई संभाषण नहीं करता था, मुकुंद इत्यादि मुरारी बुक जो थे वो श्रीमद महाप्रभु को देख करके छुप जाते थे। तो महाप्रभु पूछते, अरे ये सब मेरे को देख छुपते क्यों है? बोले प्रभु आप व्याकरण तो बहुत अच्छी जानते हैं, व्याकरण का संधि विच्छेद, व्याकरण के समास अलंकार इत्यादि बहुत बढ़िया जानते हैं, लेकिन आपके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता, इसीलिए ये लोग आपसे वार्तालाप करना नहीं चाहते, ये छुप जाते हैं। महाप्रभु ने कहा, ये लोग इसलिए छुप जाते हैं कि मैं कृष्ण नाम नहीं लेता? तो महाप्रभु बोलते, एक दिन मैं ऐसा वैष्णव बन के दिखाऊंगा कि समस्त लोग जो है मेरे निकट आकर के प्रणाम करेंगे। श्रीमद् महाप्रभु ने हर स्थान पर अपने तत्व को व्यक्त किया है। बाल्य लीला में श्री जगन्नाथ मिश्र जी इस बात कहते हैं कि अमार पुत्र पाए नायक नुपुर, मेरे पुत्र ने नूपुर तो नहीं पहना है,
लेकिन घर के भीतर में क्या देखता हूँ, निरंतर ही नूपुर ध्वनि आ रही होती है। नूपुर ध्वनि का अनुसंधान नहीं मिलता कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो नूपुर ध्वनि कहाँ से आ रही है, निमाई के चरणों से। समस्त तत्व को प्रकाशित किया, लेकिन नदिया वासियों के हृदय में किंचित मात्र भी ये बात नहीं आई कि निमाई कौन है, भगवान है। जैसे ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्य को दिखाया, 7 दिवस तक श्री गिरिराज धारण किया, श्री कृष्ण ने अनेक असुरों को मारा, श्री कृष्ण के निकट आकर के ब्रह्मा की स्तुति कर रहे हैं और सखा लोग देख रहे हैं कि 4 मुंह वाला कौन आ गया। ये नहीं पूछ रहे कि भैया कौन था, ये पूछ रहे कौन था। श्री कृष्ण का हाँ कोई था, तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक से शंख इत्यादि भाग भाग इतनी सामग्री वो लाए थे, सखा लोग क्या करने लगे, उसको रोकर के बोले ये मेरा इस पर झगड़ा हो गया। लेकिन ये विचार मन में नहीं आया कि वो कौन है, भगवान है। जिस प्रकार की आत्मीयता ब्रजवासी जनों की श्री कृष्ण में है, उसी प्रकार की आत्मीयता श्री नदिया वासियों की श्री महाप्रभु में है। नदिया वासी कभी भी इस बात को श्रवण नहीं कर सकते कि निमाई इस नदिया को छोड़ करके सन्यासी हो गए हैं। नित्यानंद प्रभु को जब ये बात कही, नित्यानंद प्रभु से पूछा कि मैं सन्यास का विचार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस औषधि को देने आया था, मैं इस जगत में इस ब्रजवधुओं की उपासना रूपी औषधि को देने आया था, जिसे कल श्रवण कर रहे थे। यह जगत की सबसे बड़ी उपासना है, जगत की सबसे बड़ी औषधि है, लेकिन इस औषधि को ये लोग स्वीकार नहीं करते। उल्टा ये मेरे पीछे मेरे को बोलते हैं कि आप गोपी क्यों बोलते हैं, इसीलिए मैं अब संन्यास ग्रहण करूंगा और इन्हीं के निकट आकर के जब फिर से मैं ब्रजभक्ति कहूंगा तो पाषंडी लोग भी जो है मेरी बात को वहां पर स्वीकार करेंगे। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु से कि मैं तो अब संन्यास के विषय में सोच रहा हूँ कि औषधि के लिए आया था, ये औषधि लोग जो है स्वीकार करते नहीं है। नित्यानंद प्रभु से पूछा, आप बताइए मैं कौन सा रूप धारण करूं, क्योंकि मेरी देह में निरंतर अवस्थान किसका होता है, नित्यानंद प्रभु जी का। नित्यानंद प्रभु जी जो है श्रीमद् महाप्रभु की देह में निरंतर उनका अधिष्ठान होता है। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत के हर एक पृष्ठ पर इस बात को कहा है, और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बात है कि चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे धाम हो, चाहे नाम हो, हमारा इस हजारों की संख्या में एक संपर्क सूत्र है, और वो है यह, और वह धूमपात पद। हमारा संपर्क सूत्र पूरे के पूरे धाम से कौन है, वैष्णवानुगत्य और श्री गुरुवानुगत्य। इसके अतिरिक्त अगर हम जाएंगे तो नाम तो धाम परिक्रमा के वास्तविक फल से वंचित हो जाएंगे। तो श्रीमद् महाप्रभु ने पूछा, आप बताइए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप तो इच्छामय है, स्वतंत्र ईश्वर है, आप जैसा भी आचरण करेंगे जगत जीवन को उद्धार के लिए करेंगे। वहां वृंदावन दास ठाकुर ने इतनी मर्मस्पर्शी बात कही कि नित्यानंद प्रभु ने जो ही सुना कि श्रीमद् महाप्रभु स्वीकारेंगे संन्यास, नित्यानंद प्रभु के मन में बात आई कि आई का अब पालन कैसा होगा, शची माता का पालन अब कैसा होगा। और नित्यानंद प्रभु इस बात को श्रीमद् महाप्रभु को बोले नहीं, इस बात को अपने हृदय में रखा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि एकांत में रह करके नित्यानंद प्रभु रोदन करते हैं कि अब आई का पालन कैसा होगा। दोनों है कौन, दोनों स्वयं भगवान है, दोनों स्वयं भगवान है, लेकिन स्वयं भगवान होते हुए भी जैसी आत्मीयता है, आत्मीयता ही वास्तविक रूप में हमारे भजन का एक बहुत सुदृढ़ है, उसकी भित्ति है। जैसी आत्मीयता संसार में, वही आत्मीयता जब श्रीमद् महाप्रभु के निकट और वास्तविक रूप में श्री गुरुपाद पद्म के निकट हमारी परिवर्तित होगी, तभी इस धाम के उस चिन्मय तत्व का जो वर्णन होगा। एक ही बात कहकर के श्री वृंदावन दास ठाकुर की जो है शेष करूंगा। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, देखो इस बात को आप निश्चित रूप से जान लीजिए। क्या जान लीजिए कि चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित्र, आप श्रीमद् महाप्रभु के इस पुण्य श्रवण चरित्र को सुन रहे हैं, श्रीमद् महाप्रभु की इस पुण्य मंगलमय लीला को सुन रहे हैं, लेकिन इसकी स्फूर्ति कैसे होगी। भक्त कृपा से स्मृत जान निश्चित, निश्चित रूप से जान लीजिए कि श्रीमद् महाप्रभु की कीर्ति की स्फूर्ति, श्रीमद् महाप्रभु के इस विचार की स्फूर्ति का केवल एकमात्र साधन है किसी विशेष, किसी भक्त की, किसी वैष्णव की कृपा। तो नवदीप धाम परिक्रमा में हमें वैष्णव कृपा का अनुसंधान करेंगे। श्रीमद् महाप्रभु को प्रत्यक्ष ढूंढ नहीं जा सकते, लेकिन वैष्णव कृपा का अनुसंधान करेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भक्त कृपा से स्फुरे जाने निश्चित रूप से
वह श्रीमन महाप्रभु की महिमा हमारे हृदय में जो है अवश्य ही जो है प्रकाशित होगी। यही कहकर के गुरुपाद पद्म के चरण पुनः पुनः निवेदन है कि वैष्णव जनों का जो आग्रह है इस परिक्रमा में, जो परिश्रम है, जो प्रयास है, उस प्रयास को हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। एक एक कदम चलने पर कोटि कोटि अश्वमेघ यज्ञों का फल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? अनायास मिल रहा है। हमारी तरफ से क्या प्रयास है? बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया सोने को मिलता है, उसको अपना चलो बदन के पीछे। तो इसी भाव से वैष्णव जनों के पीछे चले, किसी भी प्रकार की किसी के प्रति भी निंदा इत्यादि ना हो पाए, वो भीषण अपराध के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और ये व्रत ले लें कि 5-7 दिन जो भी हैं यहाँ पर श्री कृष्ण श्रीमद महाप्रभु के इस नाम संकीर्तन युक्त युग धर्म में हम सम्मिलित होकर के एक स्वर में सम्यक रूप से उनका उद्घोष करें। यही ही श्री धाम का वास्तविक छाप अपने हृदय में जन्म जा सकते हैं। कृष्ण गुरुपाद पद्म की बड़ा सुंदर बोले हमारे प्रभु। उन्होंने मुझे संजय की झलक दिखाई दे रही है, जैसे वो बोलते हैं आप लोगों को दिखाई दी झलक है, वैसे ही उनकी हिंदी वैसे ही भाषा। बस संजय में ये है कि वो जोर देते हैं कि बात को अच्छी तरह से समझो। अब पूछ बात आज के आज का बोलने का जो निर्धारित वक्ता हैं अभी महाराज जी हैं और फिर विजय कृष्ण प्रभु हैं, फिर उत्तम प्रभु हैं, मैं संचालक हूँ, नाम मेरा भी है, अगर टाइम मिला तो मैं भी बोलूँ। महाराज जी 20-20 मिनट का टाइम सब। हरे कृष्णा, हमारे श्री विपिन प्रभु कितना सुंदर बोले, इनके हृदय में इतने सुंदर भाव की सहारा है, क्योंकि उन्होंने तन मन और धन हर तरह से वैष्णव का सेवा करते हैं। इसलिए ब्रजमंडल परिक्रमा में जिसने चावल हो, पत्तल हो, तोड़ा हो और किसी चीज की जरूरत हो, तन मन और धन से वचन भी बोलते ठीक है। इसलिए और ये जो नवद्वीप परिक्रमा में आप सोच नहीं सकते इसमें इतने पैसा की खर्चा हो रहा है, बहुत आप लोग देख कर पता चलता होगा। लेकिन इसमें भी विपिन प्रभु जी वो लाइव में जो में कथा करते हैं और कुछ कुछ भक्त लोग भी डोनेशन देते हैं, कभी कभी इसमें भी उन्होंने इनकी बहुत बड़ी योगदान है। इसलिए इनके ताली बजाओ कम से कम हर कदम सब भक्तों की सेवा करते हैं। बहुत हम सोच भी नहीं सकते ना किस चीज की कमी हो, वो कमी पूरी करने के लिए प्रभु हर समय तैयार रहते हैं। इसलिए इनके हृदय में इतने सुंदर सुंदर भाव की जो विद्यमान इसका कारण यही है। ओम ज्ञान दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद सब हाथ मिलकर बोलो बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण।
आज हम लोगों का एक जन्म नहीं, ये करोड़ों करोड़ों जन्म का सौभाग्य का फल है, जो कि हम लोग आज ये श्री नवद्वीप धाम में हम सबके सब उपस्थित हुए हैं। कभी ये मैं नहीं कहता हूँ, ये श्रीमद् भागवत कहता है। आप भागवत पढ़ करके तब एकादश स्कंध में कि जो कलयुग है ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग है। ब्रह्मा जी एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग जो बीत जाए, कलयुग का ब्रह्मा कितना है, 432,000 साल, 432,000 साल। द्वापर युग उसका 2 गुना कर दो, त्रेता युग का 3 गुना कर दो और सत्य युग का 4 गुना कर दो, मतलब सोच नहीं सकते। ऐसे इसको एक चतुर्युग कहते, ऐसे जब 1000 चतुर्युग हो तभी उसी जो कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु तभी ये प्रकट होते हैं। इसलिए सत्य त्रेत्य द्वापर सत्य युग को कृत युग कहते हैं, क्यों, धर्म 4 चरण में रहता था। त्रेत्य युग को हम राम राज्य कहते हैं, क्यों, जहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक किसी तरह का दुख कष्ट नहीं था। वहाँ के कुत्ता तक भी अगर कोई दुख कष्ट हो तो भगवान को प्रार्थना करता था, भगवान पशु पक्षियों का दुख भी दूर करते थे। द्वापर युग तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म स्वयं कृष्ण स्वयं ये द्वापर युग में आए। इन इन युग का लोग भी ये कलि युग में, जो कलि युग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते हैं, इसी कलि युग में ये सत्य त्रेता द्वापर युग और यहाँ तक भी स्वर्ग के देवता लोग भी इसी कलि युग में जन्म लेना चाहते हैं। और इसी कलि युग में हम लोग आए हैं, इसी कलि युग में साधारण व्यक्ति का जन्म नहीं है। कलि युग में विशेष करके जो लोग महाप्रभु की धारा में आए हैं, आप लोग कोई साधारण मत समझो, जो सतगुरु से गले में कंठी तिलक लेकर के ये जो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, आप लोग जो हरि नाम कर रहे हो, साधारण आप लोग व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं ये लोग है, साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है जो हम सबके सब श्री महाराज की गुरु जी के अनुगत में श्री धाम नवद्वीप परिक्रमा करने के लिए हम आए। अब यहाँ प्रश्न होता है, भैया जैसे दूसरे दूसरे अवतार है, भैया हम कहते ना साईं बाबा अवतार है, अमुक अवतार है, क्या तुम लोग भी क्या महाप्रभु के इस अवतार खड़ी कर दिया हो? जब महाप्रभु रूप में करते तुम लोग भी, उनको पीछे भी तो बहुत लोग है, क्या तुम लोग भी ऐसे महाप्रभु को तो भगवान नहीं बोल दिया? वो लोग तो भी तो भगवान भगवान बोलते हैं। बोले नहीं ऐसे नहीं, इसलिए जैसे अगर यहाँ नरेंद्र मोदी आए ना, उसके लिए कितने उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है। साधारण प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं, पहले न्यूज में आ जाएगा, टीवी में आएगा, कहाँ उतरेंगे, कैसे आएंगे उसके लिए। क्योंकि उसी तरह जब साधारण एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने उद्योग है, जब वो गोलोक वृंदावन से जब भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं, उनके लिए भी प्रमाण है शास्त्र में। हम लोग ऐसे नहीं हजार हजार लोग उनको पीछे सचिनंदन गौर हरि की ऐसे हम नहीं बोल रहे। आप भागवत पढ़ करके देखो, वहां पर भी नेमी नव जोगेंद्र समाज में वहां पर भी बताए, जब श्री नेमी महाराज को प्रश्न करते हैं कलयुग का अवतार कौन है, हम उनको कैसे हम उपासना करेंगे, वहां पर 3 श्लोकों को द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम 3 श्लोकों के द्वारा वहां पर आए, जिसमें 1 श्लोक में कहते हैं कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जगकेरी संकीर्तन प्रायरी जगति ही सुमेधस। कलयुग में जो सुमेधा संपन्न व्यक्ति होगा क्या करेंगे, कलयुग में हरि नाम रूपी संकीर्तन के द्वारा श्री सचिनंदन गौर हरि को उपासना करेंगे, उनका सर नाम उनका परिकल सबका नाम वहां पर आइए। आप विष्णु पुराण बाई पुराण को पढ़ो, वहां पर भी कहते हैं कलौ प्रथम संध्याया सची सूत भविष्यामि, कलयुग को प्रथम संध्या में भी सची माँ की बेटा बन कर बोले भागीरथ निकटस्थ, कहाँ पर जन्म लूंगा, बोले गंगा किनारे में जन्म लूंगा। कहते दारू ब्रह्म निकटस्थ सन्यासी गौरव विग्रह, महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करेंगे, श्री जगन्नाथपुरी में रहेंगे, वहां पर भी आता है। उनकी पत्नी की नाम, उसकी पिताजी का नाम, उनकी परिकरों का नाम, सबके सब उनकी परिकर का नाम
वहाँ पर आते ही। इसलिए हम ऐसे मत समझे हम भी ऐसे किसी को एक अवतार रूप में खड़े कर दिया और पीछे पीछे जैसे उल्टा पुल्टा लोगों को भगवान बोल दिया हम भी ऐसे बोल दिया। नहीं, सारे वेद पुराण उपनिषद को आप पढ़ करके देखिए। इसलिए गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, वो ग्रंथ को जरूर आप लोग खरीद करना। वो ग्रंथ है श्रीमान महाप्रभु जो कलियुग में आए, वो कौन सा शास्त्र में श्री महाप्रभु के लिए भगवान रूप में बताए, वो ग्रंथ में सुंदर रूप में गुरु जी ने वो ग्रंथ को प्रकाशित, गुरु जी हमारे महाराज ने किया। जरूर वो ग्रंथ को लेना, क्योंकि हमारा आराध्य देव को जब तक आप उनको भगवान रूप में नहीं मानते हो ना, पर भक्ति आपकी पुष्ट नहीं होगी, भक्ति आपकी दृढ़ नहीं होगी। इसलिए वो ग्रंथों का आप लोग जरूर पढ़ना। इसलिए आज हम अनंत संहिता की कथा सुनेंगे। वहां पर शंकर पार्वती का क्या संवाद है? केवल शंकर पार्वती नहीं, वहां तीन संवाद है। एक तो माता पार्वती प्रश्न करती है, शंकर जी उत्तर देते हैं। वहां पर श्री नारद जी की संवाद, वहां तीन संवाद है। एक समय माता पार्वती श्री शंकर जी को प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुराज, वो पंचमुख में प्रभु का भजनाम करते हैं, हैं? इसलिए मैं देखता हूँ कभी कभी आप श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री गौरांग महाप्रभु की, कभी कभी आप इस सब नाम को कभी कभी मैं लेते हुए सुनता हूँ। अब जब आप ये नाम को लेते हैं उसी समय में प्रेम में, जैसे कृष्ण नाम लेकर भी गदगद होते हो, राम का नाम को लेकर भी गदगद होते हो, लेकिन जब श्री सच्चिदानंद गौर हरि महाप्रभु गौरांग का चैतन्य का नाम लेते हो, उसी समय में आपकी अंदर में एक विशेष दिव्य आनंद को मैं देखता हूँ। वो गौर हरि कौन है? वो श्री सच्चिदानंद कौन है? ये गौरांग कौन है? आप थोड़ी सी कृपा करके मेरे को बताओगे? इतना सुनते ही शंकर जी का हृदय तो रोम रोम खिल उठा। शंकर जी इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती को उन्होंने आलिंगन किया, बोले पार्वती तुम इसलिए इतने सुंदर प्रश्न किए हो, तुम है कौन? कहते पार्वती कौन है? कहते है ना, कुमार सत्या सची चंद्रारुक्मिणी राधा अवतार सभी तुम राधा जी की एक प्रकाश हो, इसलिए तुमने आज इतने सुंदर तुमने प्रश्न किए, तुम्हारे प्रश्न से मेरे हृदय गदगद हो गया। तब शंकर जी स्वयं बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदर शंकर स्वयं कहते हैं, कहते उनका एक नाम है गौर हरि। बोले गौर हरि नाम क्यों पड़ा, कारण क्या था? बोले कारण इसलिए पड़ा, कृष्ण जब द्वापर युग का लीला समाप्त करके जब गोलोक वृंदावन में गए, निकुंज में बैठे हुए थे, सोच रहे थे सारे रस को मैंने आस्वादन की है, मैं भगवान होते हुए भी भक्तों का प्रेम में इतने वशीभूत हो गया, सखा का झुनर गाए, मेरे को कभी घोड़ा बना दिए, मैं भगवान होने पर भी मैया मेरे को खल में बांध दी, मेरे को कान मोल दी, उनकी डर से कभी कभी मैंने बोला मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैंने, और राधा जी की चरण में तो स्वयं स्वयं में स्मर गर्व खंडनम मम सिर सिमंडनम देहि पद पल्लव उदारम। राधा रानी अगर कभी मान कर लेती थी जिनकी चरण में मैं स्वयं सर झुका दिया, मैं हर चीज को मैंने आस्वादन की, लेकिन एक चीज तो मेरे सर से ऊपर चला गया, जो चीज मैंने नहीं समझ पाया। बोले वो क्या है? बोले राधा है आप प्रणय महिमा की दृश्य, और राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है? जो राधा रानी मेरे को देख करके उनके अंदर में जो दिव्य उन्माद चित्र जल्प अभिजल्प संजल्प विजल्प उठाए तो मुकाट जो दिव्य दिव्य भाव उद्दीपन होता है, जिसको देख रहे मैं स्वयं चमत्कृत हो जाता हूँ। इसलिए मुझे जितने आनंद प्राप्त होता है राधा रानी को करोड़ गुण, एक गुण नहीं मेरे से करोड़ गुण आनंद होता है श्री राधा रानी को। वो क्या है मेरे अंदर में? सारे माधुरी जब मेरे अंदर में, लेकिन मेरे को ये आस्वादन का विषय नहीं होता था। इसलिए जब तक मैं राधा जी की अंग कांति और भाव को लेकर के मैं स्वयं ये कलियुग में नहीं आऊंगा, तब तक मैं ये चीज को मैं आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर क्या लिखते हैं? बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृत शक्ति रस्मात देहात्मना भूमि पुरा देह भेदौ गतौ तौ
चैतन्यक प्रकट मधुना तद्वयम् चैकमाप्तम् राधा भाव दुति सुबलितम् नवमी कृष्ण स्वरूपम्। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं उन्होंने राधा रानी की अंग कांति और भाव को चोरी करके कलयुग में श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि रूप में आए हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, इसलिए इनका नाम गौर हरि क्यों नाम पड़ा? बोले कारण है गौरी मतलब गौरी श्री राधा रानी और हरि कृष्ण, इसलिए जो अंत कृष्ण और बहिर गौर, अंदर में तो कृष्ण है लेकिन बाहर में गौर वर्ण, क्यों? राधा रानी स्वयं जिनको आलिंगन करके रखी। बोले क्यों वो आलिंगन क्यों करके रखी? बोले जब मैं कृष्ण प्रेम में मैं दीवानी बन करके मैं जब पछाड़ खाती हूँ मेरे को कितना कष्ट मेरे को पता है, जब यही कृष्ण मेरे भाव लेकर जा रहे हैं और जब मेरे भाव से हैं, जिस समय कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के गिरेंगे श्याम सुंदर कितने कष्ट देंगे, अगर मैं उनका आलिंगन करके रहूंगी तो कष्ट मेरे को होगी श्याम सुंदर को वो कष्ट नहीं होगा, इसलिए उनको उन्होंने आलिंगन करके रखे है। बोले क्यों? इसलिए रासलीला में आता है ब्रज गोपियां क्या कहती? बोले श्याम सुंदर हमारी जो बख्य स्थल है इतने कठोर है, हमारे बख्य स्थल कहते हम अपना बख्य स्थल में तुम्हारी चरण को रखने के लिए कष्ट लगता है, लेकिन हम खाली चरण में जो वृंदावन में कंकड़ और पत्थर के ऊपर में भ्रमण करते हो हमको कितने कष्ट नहीं होगा, इसलिए हमको बड़े कष्ट लगता है। इसलिए उन्होंने कहते कलयुग में राधा रानी गौर हरि इसलिए इनका नाम पड़ा, इनका नाम एक नाम पड़ा गौरांग, बोले नाम पड़ा चैतन्य, जब सन्यासी नाम लिए कृष्ण चैतन्य नाम पड़ा। बोले कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा? बोले कारण है कृष्ण रूपी चेतनता को, उन्होंने सन्यास किया ना, सन्यासी का नाम है कृष्ण रूपी चेतनता को जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड में उन्होंने बिलाया है। महाप्रभु का भविष्यवाणी था ना, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमर नाम, एक दिन ऐसा आएगा विश्व ब्रह्मांड में मेरे नाम को गूंज उठेगा और सुखी होकर के सबके सब कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि की सबके सब महाप्रभु का नाम ग्रहण करेंगे, इसलिए इनका नाम गौरांग और श्री कृष्ण चैतन्य चेतनता मतलब विश्व ब्रह्मांड में सर्वप्रथम एक चेतनता रूप में वही एक थे हैं, और यही एक जिसको वेद कहता है एक अपि बहु श्याम हैं, एक अपि बहु को एक ही है, जब वो एक रूप में कौन रूप में श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में, जब वो दो होते हैं किस रूप में राधा कृष्ण रूप में वो दो होते हैं, इसलिए इनका नाम चैतन्य जो एक चेतनता रूप में सर्वप्रथम सृष्टि से पहले जो एक चेतनता रूप में थे इसलिए नाम चैतन्य। जब उन्होंने महाप्रभु की बड़ी महिमा बताई इतने में माता पार्वती फिर प्रश्न करती है, बोले प्रभु ये जो चैतन्य महाप्रभु आपने इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु का आपने कथा सुनाया है, कहते ऐसे जब महाप्रभु को बात कृष्ण चंद्र को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जी वृंदावन धाम में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं ऐसे वृंदावन धाम में। इतने में शंकर जी फिर कहते बोले देखो पार्वती ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं, कहते एक समय श्री महाविष्णु को पास में कहते श्री अनंत देव महाविष्णु को पास में गई, बोले आपका आशीर्वाद से मैंने संपूर्ण समस्त धाम में मैंने भ्रमण किया लेकिन अभी तक श्री वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर पाए दर्शन नहीं कर पाए। महाविष्णु कहते हैं बोले वृंदावन धाम ये साधारण धाम मत समझो, तुम्हारी बात छोड़ दो, महाविष्णु कहते हैं मैं स्वयं अभी तक भी वृंदावन धाम में मैं भी प्रवेश नहीं कर पाया, अगर कोई बोले कुत्ते का पूछ पकड़ करके समुद्र पार हो जाएंगे उसी तरह असंभव है, उसी तरह जो वृंदावन धाम है कितना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई, जहाँ पर स्वयं शंकर है वो स्वयं शंकर भी प्रवेश करने के लिए कोशिश की, साधारण जीव की बात छोड़ दो लेकिन शंकर जी को भी गोपियों ने क्या किया चोटी पकड़ कर निकाल दिया वृंदावन धाम में, जहाँ पर स्वयं शंकर चौकीदारी का काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं जब वृंदावन धाम की महिमा ब्रह्मा जी को पता चला ब्रह्मा लास्ट में क्या कहते हैं जब भगवान बोले क्या चाहते हो ब्रज में, बोला हम जन्म दो
मैं सखा सखी रूप में जन्म लोग मिल नहीं बोले वहां पर किसी पशु पक्षी रूप में ब्रह्मा जी गत बोले नहीं बोले कोई पेड़ पौधा बोले नहीं बोले फिर अगर मैंने किसी पत्थर रूप में ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं अगर उनकी घर के सामने किसी पत्थर रूप में अगर जन्म हो जाए वहां के छोटे जाति के लोग मेरे को पत्थर मान करके मेरे सर के ऊपर में चरण रगड़े तो उनकी अगर धूल मिल जाए अपना जीवन को मैं धन्य मान लू। कौन ब्रह्मा कहते हैं स्वयं उद्धव जी यहाँ पर ब्रज में आए ब्रज की महिमा को देखे ब्रज गोपियों की ब्रजवासियों को वो क्या कहते हैं त्रिना गुल्म औषधि वृक्ष रूप में वहां की घास रूप में जन्म लेना चाहते बोले क्यों बोले गोपियां जब चलेगी कम से कम तो चल करके जाएगी अगर वहां पर घास बनूंगा तो उनकी चरण धूल मिलेगा बोले वहां लता क्यों बनना चाहते हैं बोले प्रमद मदन लीला कंदर कंदर थे जब राधा कृष्ण सुंदर सुंदर लीला करेंगे कुंज कुंज में अगर लता बन कर रहेंगे तो दर्शन मिलेगा बोले वहां औषधि वृक्ष क्यों बनना चाहते हैं बोले तक बीमार पड़े तो दवा कर लेंगे फिर मैं उनके हृदय में चला जाऊंगा उनकी कौन जा रहे उद्धव जिसके लिए कृष्ण कहते हैं उद्धव तू मेरे इतने प्रिय हो मेरे सखा भी हैं कहते ना तथा मैं प्रियतम आत्म ज्योतिर न शंकर मेरे पत्नी भी इतना प्रिय नहीं बलदेव भी प्रिय नहीं कहते मैं भी इतना मेरा प्रिय नहीं तू जितने प्रिय उद्धव जैसे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं ये कौन कह रहे हैं कहते महाविष्णु स्वयं कहते हैं बोले भैया लक्ष्मी अभी तक भी तपस्या कर रही है बेलवन में प्रवेश नहीं कर पाई अब तुम कहते हो वृंदावन में प्रवेश कर जाओ इतना आसान नहीं अरे बोले फिर तो हम तो होपलेस हो गए वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते कोई उपाय है कि नहीं बोले हाँ एक उपाय है सबसे सरल उपाय बोले बताओ बोले उसी ब्रज प्रेम को देने के लिए कलियुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि हुए श्री नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करने वाले नवद्वीप धाम में और उसी अवतार में वो इतने दयालु इतने कृपालु बनेंगे वो पापी तापी कुछ भी विचार नहीं करेंगे इसलिए जिसके लिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं दयालनी ताई चैतन्य बोले नाचे रे हमार मन दयालनी ताई चैतन्य बोले नाचे रे हमार मन नाचे रे हमार मन नाचे रे हमार मन ए मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे अपराध दूरे जावे पावे प्रेमादन दयाल नीताए चैतन्य बोले इसलिए कहते हैं कलयुग में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जन्म ग्रहण करेंगे जो मार खा कर भी प्रेम देने वाले सर भी फोड़ दिए बोले भैया भले ही तुमने सर फोड़ दिए लेकिन मेरे ची कलसी ने काना ताई बोली की प्रेम दी बना भले ही तुमने सर को फोड़ दिए इसलिए कि मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा एक बार मेरे प्रभु श्री सच्चिदानंद गौर हरि की एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम ले लो वो प्रेम को दे दूंगा इसलिए महाविष्णु कहते हैं वो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए कलयुग में इसको श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हे मन गौर बिना नहीं आर हे न अवतार हवे की होए छे हे न प्रेम प्रचार तो महाप्रभु जैसे अवतार नहीं ऐसे प्रेम कभी देखा है किसने दिया कहते दुरमति अति पति तपासन ने प्राणे ना मारी लो कारे भगवान राम ने क्या की थोड़ी सी रावण को चुका दिया तो लंका ध्वंस कर दिए कृष्ण ने पूरा चक्र लेकर खत्म कर दिए लेकिन महाप्रभु ने क्या किए लेकिन सर फटने पर भी उनको जो सन्यासी किसी लिए ले डंडे लेकर उनको भगत मारने के लिए दौड़े थे हैं लेकिन महाप्रभु ने कुछ भी विचार नहीं किया बोले कौन सा प्रेम को दिया बोले ब्रह्मा वीर चिर बातचीत जे प्रेम जगत फैल डाली वो जो दुर्लभ प्रेम को दिया जिसको ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव भी जो प्रेम के लिए तरसते हैं वो प्रेम महाप्रभु मुक्त हस्त से सबको उन्होंने प्रदान किया है इसलिए अगर वो प्रेम को तुम बनना चाहते है काम करो महाविष्णु कहते हैं इसको अनंत देव को जाओ श्री नवद्वीप धाम में जाओ श्री नवद्वीप धाम में गुरु वैष्णव की आनुगत्य में ये नवद्वीप धाम को जो केवल परिक्रमा करे केवल यहाँ पर लौट बोट खाई हो धूल में और एक बार श्री सच्चिदानंद गौर हरि की बस केवल इतना ही कर लो इतना ही केवल कर लो यहाँ पर बस वो जो दुर्लभ प्रेम है ब्रह्मा शंकर जिसके लिए तरसते है वो दुर्लभ प्रेम को तुम प्राप्त करोगे वो दुर्लभ प्रेम को तुम प्राप्त इसलिए नवद्वीप धाम में जाओ तभी तो इतना लोग आए किसलिए आए
आप बहुत सारे धाम में गए होंगे, लेकिन कितने लोग हमारी परिक्रमा में तो देख रहे हो कितना लोग है। दो परिक्रमा अगर इकट्ठे हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों? कलयुग में शास्त्र ने बताया कलयुग आने पर दूसरे दूसरे धाम का महिमा नीचे चली जाएगी, नवद्वीप धाम की महिमा सर्वश्रेष्ठ रूप में होगी। फिर पार्वती फिर प्रश्न करती है, बोले बताओ ये नवद्वीप धाम प्रकट कैसे हुआ है, ये नवद्वीप धाम प्रकट कैसे हुआ, क्यों ये नवद्वीप धाम की इतने महिमा। तब से शंकर जी कहते हैं ये जो नवद्वीप धाम नहीं करती है राधा रानी की हृदय, राधा रानी की हृदय ही नवधाम नवद्वीप धाम में रूप में प्रकट हुआ है। बोले कैसे प्रकट हुआ, बोले एक समय श्री राधा रानी देखती हैं कृष्ण कहीं से जाते हैं लेकिन वो बिना बोले कहीं चले जाते हैं। एक दिन किसी सखी को पीछा किया तो सखी को बोले देखो तो देखा सचमुच से यहीं पर वो कृष्ण आते हैं, कहां वृंदावन में यहीं पर आते हैं, देखा सुंदर से नवद्वीप धाम है और बिरजा सखी को साथ में मिलते हैं। तब उन्होंने ये बात को जाकर राधा रानी को बोल दिए। राधा रानी जब यहाँ पर आई कृष्ण देखकर गंगाए डर से और बिरजा जी नदी रूप में प्रकट हो गई। राधा रानी समझ गई कृष्ण को ये नवद्वीप धाम प्यारा है। तब राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए, राधा मतलब क्या है, कृष्ण ने आराध्य खरीदी राधा जो कृष्ण सुख के लिए सब कुछ करती है। तब अपना हृदय से उन्होंने ये जो नव धाम जा रहे हैं नव धाम नहीं राधा जी के हृदय से नौट कुंज प्रकट हुआ है। राधा रानी जैसे दयालु है कृपालु है ये धाम भी ठीक वैसे कृपालु है नवद्वीप धाम। तभी सबके सब क्या करते हैं श्री नवद्वीप धाम में परिक्रमा करने के लिए आते हैं। इसलिए हम नवद्वीप धाम में नहीं आए, राधा रानी कृष्ण के लिए जो नव कुंज बनाए और कुंजों को हम परिक्रमा करते हैं। इसलिए कथा बहुत है, अभी समय हो गया है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। आपको कह रहा था घंटी बजाना, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो नवद्वीप धाम में गुरु वैष्णव के अनुगत में आए हैं। आज इस धाम के लिए नवद्वीप धाम प्रकट हुआ है। हमारे ऊपर में गुरु जी की कृपा हो, वैष्णव का कृपा हो, जो कभी ना कभी राधा कृष्ण की इनके अनुगत में इनकी सेवा में महाप्रभु की सेवा में हम प्रवेश कर पाए, यही हम गुरु वैष्णव के चरण में प्रार्थना करते हैं। पंचागल उधर में सर कृपा से प्रतिकार उपाय के प्रो वैष्णव को नमो नमः। अब मैं संचालक हूँ भाई, कुछ बार विजय कृष्ण प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो अभी महाराज जी कह रहे थे हम बड़े भाग्यशाली हैं नवद्वीप धाम में आए हैं, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा भाग्यशाली हैं गुरुदेव की समाधि में बैठना। एक सोना और उसमें गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तं शिरसा नमामि। युगाचार्य प्रभु वंदे नारायण करुणामयं राधादास्यलोभं दत्वा तारयते भुवनत्रयं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम करुणा पारिधि त्रिला प्रजिष्ठुनिष्ठ पाद अभिरुद्ध श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्री गुरु महाराज जी के चरणारविंदों में मैं अनंत कोटि साठ वंदन प्रणाम समर्पित करते हुए प्रतीक्षा मांगता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुक श्री गुरुवर्गजन सचिनंदन गौरहरी श्री राधा श्री विनोद बिहारी जी रमन बिहारी जी मंचा सिंह पूज्य पद श्रीधर महाराज जी पूज्य पर रामचंद्र विष्णु प्रभु
पूज्यपाद उत्तम कृष्ण प्रभु विपिन प्रभु एवं यहाँ पर समागत सभी वैष्णव वैष्णवी धर्म भक्तों के निकट मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग जैसे पूज्य महाराज जी से अभी सुन रहे थे श्री नवद्वीप धाम में श्री गुरुदेव के और वैष्णवों के अनुगत्य में श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। कितना सौभाग्य है महाराज जी अभी समझा रहे थे श्री गुरुदेव का प्रतिवर्ष केवल नवद्वीप में ही नहीं कार्तिक में भी यही विषय रहा कि सबसे प्रधान रूप से वो हमेशा इसी विषय की चर्चा वो करते थे कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है। तो फिर प्रश्न आता है तो जब जान लिया कि वो कौन है तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि वो क्यों आए क्यों आए। तो ये दो प्रश्नों का समाधान या बड़े ही विस्तार से उसकी व्याख्या श्री गुरुदेव करा करते थे और केवल स्वयं ही नहीं बल्कि जितने वक्ता थे जितने थे सबको यही कहते थे कार्तिक में भी नवद्वीप में भी बोलो चैतन्य महाप्रभु जी कौन है और क्यों आए किस वजह से आए चार कारण बताओ क्या है, है? तो धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से ही चैतन्य महाप्रभु जी कौन है तो उनकी महिमा क्या है ये सब सुनने और समझने का सुयोग प्राप्त हुआ। क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक नवद्वीप धाम की महिमा नहीं समझ आएगी और इस परिक्रमा की महिमा नहीं समझ आएगी। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं श्री कृष्ण ही है ठीक है कृष्ण ही है तो फिर कृष्ण ही है तो काले क्यों नहीं है। कृष्ण ही यदि है तो काले क्यों नहीं है गोरे क्यों है क्योंकि श्री राधा जी की कांति को लेकर के कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में पधारे हैं तो भीतर से काले हैं कि तो बाहर से राधा जी की कांति से ढक जाने के कारण वो गोरे हैं। यही वजह है कि वो काले रंग के नहीं। तो प्रमाण क्या है तो भागवत महापुराण में बताया गया है निमि नवयोगेंद्र संवाद में ये कहा गया है जब पूछा गया सत्ययुग के कौन है और त्रेतायुग के कौन है द्वापर युग के कौन है और जब कलयुग की बारी आई तो श्री राजा नेमि ने नवयोगेंद्रों से पूछा कि कलिकाल में भगवान का ये बतार जो है कौन है उनका रंग क्या है और वो करते क्या है। तब उन्होंने बताया कृष्ण वर्णम तुषार कृष्ण ये 11वें स्कंद का ये बहुत ही प्रमाणिक श्लोक है जिस प्रमाण से ही समझा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं श्री कृष्ण है ठीक है। कोई मनगढ़ंत मनोकल्पित कोई बात नहीं है या एक दूसरे संप्रदाय के लोग जैसा एक दूसरे लोग जैसा कहते हैं ये तो एक भक्त है केवल भक्त नहीं थे इसके लिए प्रमाण दिया जा रहा श्री भागवत महापुराण में से कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो कलयुग के ये भगवान के अवतार जो हैं वो कैसे होते हैं कृष्ण वर्णम जिनकी जिह्वा में निरंतर कृष्ण 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 ये जो नाम है निरंतर कीर्तित होता रहता है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम किंतु श्रीअंग की जो कांति जो है वो कृष्ण वर्ण का नहीं है वो कृष्ण के यानी काले रंग के बिल्कुल विपरीत अर्थात जो सफेद या गौर वर्ण के हैं वो इस कलयुग के पीत वर्ण के हैं उस कलयुग के भगवत अवतार का लक्षण है। और सांगो पांगास्त्र पाशन जो केवल अकेले नहीं आए जो अपने संगी और सब प्रकार के नाम आदि शस्त्र के द्वारा सम्मिलित होते हुए जिन्होंने पतार लिया है और इस कलयुग में
क्या किया, यज्ञ संकीर्तन अपरा, जो संकीर्तन यज्ञ को जिन्होंने प्रवर्तन किया, और इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन के द्वारा ही सबका मंगल संभव है, ये कीर्तन किया, ये घोषित किया, और यजंति ही सुमेधसा, केवल सुमेधस सुबुद्धिमान व्यक्ति ही चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा कहा गया। ये कौन है, नाम तो नहीं बताया कि, तो लक्षणों से समझा जा सकता है कौन है ये। जैसे यदि कहा जाए कि पीताम्बर धारी हैं और मोर मुकुट धारण किए हैं और वेणु को धारण किए हैं मुखमंडल में, तो कौन हो सकता है, रामावतार तो नहीं हो सकता है कि नहीं। तो लक्षणावृत्ति से ये सब चीजें समझा जा सकता है। ठीक वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी का भले ही नाम नहीं लिया गया है वैसे साक्षात रूप से, तो लक्षणों से तो चैतन्य महाप्रभु जी को ही सूचित किया जाता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने भी, टीकाकारों ने जो गोस्वामी पाद चक्रवर्ती पाद ने बड़े विशद व्याख्याएं की हैं, और गुरु महाराज जी ने भी चैतन्य महाप्रभु जी ही श्री भगवान श्री कृष्ण है ये संबंध में एक सुंदर ग्रंथ संग्रह किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भगवत्ता प्रतिपादक कतिपय शास्त्रीय प्रमाणिक वाक्य। ये ग्रंथ बड़ा सुंदर, ये संग्रह ये ग्रंथ है। आप लोग भी जो जानना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण कैसे हैं, प्रमाण क्या है, किसी के मन में कौतूहल है जानने के लिए, गुरु महाराज जी के द्वारा संग्रह ग्रंथ प्रकाशित हुआ, उसमें सारा विवरण जो महाराज जी भी जो पुराणों का जो प्रमाण ले रहे थे वो सब प्रमाण भी वो ग्रंथों में प्राप्त हो जाएगा। वेदों में भी है, भागवतम में भी है, पुराणों में भी है, जगह जगह चैतन्य महाप्रभु जी का नाम भी लिया हुआ है। चैतन्य उपनिषद भी है जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा के बारे में वेदों में भी गाया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जी का भगवत्ता का यही सबसे प्रमाणिक ये सब बातें हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ये स्वरूप दामोदर जी ने बताया है। कौन है, श्री कृष्ण ही है, किंतु राधा जी के केवल कांति ही नहीं, साथ में राधा जी के भाव को भी लेकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी तक एक भक्त आश्रय विग्रह के रूप में विषय विग्रह की महिमा को जानने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं, कारण क्या है, ये विषय को समझना ही हम गौड़ीय वैष्णवों का सबसे प्रधान कर्तव्य है कि चैतन्य महाप्रभु जी क्यों राधा जी के भाव और कांति को लेने के लिए, श्री कृष्ण श्री राधा जी के भाव और कांति को लेने के लिए क्यों चाहा, ये जानना ही हमारे गौड़ीय वैष्णवत्व का सबसे प्रधान कर्तव्य है। श्री गुरु महाराज जी बड़े विस्तार से इन सब बातों का समझाते थे। स्वरूप दामोदर जी ने कहा है कि राधाया प्रणय महिमा की त्रिशो वादे सौख्यम चास्य मदन सौख्यम चास्य मदनुभवत की त्रिशो वेत्ति वो बात। तो श्री स्वरूप दामोदर जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के आंतरिक निगूढ़तम भाव को समझते हुए कहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी जो है केवल नाम संकीर्तन करने मात्र नहीं आए, जगत के जीवों को ये कलयुग का जो धर्म है वो देने मात्र नहीं आए, जो जो ज्यादातर लोग भूल कर बैठते हैं ये समझने के लिए, बस केवल नाम संकीर्तन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, यही चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन है, ये भूल कर बैठते हैं। श्री गुरुदेव ये बात को समझाते थे और ये विचार का खंडन करते थे, चैतन्य महाप्रभु जी केवल नाम संकीर्तन देने नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु जी क्यों आए, ये स्वरूप दामोदर जी के वचनों से जाना जा सकता है कि राधाया प्रणय महिमा की त्रिशो वादयैव। श्री राधा जी तो महाराज जी संक्षेप में जो बात कह रहे थे, राधा जी का मेरे प्रति जो प्रेम है वो प्रेम कैसा है, कृष्ण ने विचार किया कि मैं देखूं तो सही वो प्रेम कैसी चीज, मेरा नाम लेने मात्र से ही राधा जी को मूर्छित अवस्था और स्तब्ध और रोमांचकारी स्थिति प्राप्त कर लेती हैं, तो मेरे नाम में ऐसी क्या चीज, मेरी सेवा से मेरे सौंदर्य मात्र से ही मोहित जो राधा जी
हो जाती हैं। मैं मेरे उस सौंदर्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तो कृष्ण के मन में यह कौतूहल हुआ, जैसे समझो कि चीनी है, चीनी का मिठास है, तो चीनी का जो मिठास है वो मिठास के बारे में यदि चीनी स्वयं जानना चाहा तो कैसे जान सकता है। मानो यदि उस चीनी को यदि चींटी बनना पड़ा तो चींटी बन के यदि चीनी को चखता है तब वो चीनी का मिठास चींटी के माध्यम से जान सकता है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण जो है विषय विग्रह, वो सबसे सेवा लेते हैं, सबके प्रति स्नेह रखते हैं, किंतु सेवा का क्या सुख है। कृष्ण रूप का, कृष्ण माधुर्य का, कृष्ण नाम का, कृष्ण के सौंदर्य का जो सुख है, रस है, वो कृष्ण स्वयं चख नहीं पाते हैं, कृष्ण स्वयं देख नहीं पाते या देखना चाहते हैं, तो जब राधा जी को देखते हैं, राधा जी को देख करके ही मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम लेने मतलब मैं सामने प्रत्यक्ष हूँ, फिर भी मेरा नाम लेके, मेरा सौंदर्य को देख के, मेरा बारे में सोच के, मेरी सेवा वृत्ति, मेरी सेवा के बारे में ध्यान करते हुए राधा जी जिस दशा को प्राप्त कर लेती है वो कैसी दशा है। मदनाक्य महाभाव की दशा, मिलन के भीतर विरह हो रहा है और विरह के भीतर मिलन हो रहा है, ये बड़ी दिव्य दशा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने केवल कहा नहीं, दिखाया भी, वो सब स्थितियां स्वयं उस स्थिति में रहते हुए विरह की चरम दशा में श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ पुरी धाम में कभी कछुए जैसे रूप धारण कर ली, कभी तो लंबे हो गए, कभी तो कहीं तीन दरवाजों को पार करते हुए समुन्द्र में जाके छलांग मार दी, कभी तो चटक पर्वत को देखने मात्र से ही रोम रोम से जो है तिल के फूल की तरह खिल उठा और कून बहने लगा। ये सब दिव्य दिव्योन्माद की दिव्य दिव्य दशाएं चैतन्य महाप्रभु जी ने दिखाया, जो शास्त्रों में भी, जो राधा जी के संबंधित शास्त्रों में भी इसका विस्तृत विवरण, कपड़ा तो लेना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने राधा जी के कपड़े नहीं लिया, कि तो कपड़े नहीं लेकर के केवल राधा जी की कांति जो है, यानी उनका जो शरीर का जो रंग जो है, वो रंग को मात्र लिया और साथ में राधा जी का जो भाव है, भावना है, सेवा की भावना, प्रेम की भावना, वो भावना को लेते हुए, दोनों को लेते हुए दिन रात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, भक्त के रूप में कृष्ण का रसास्वादन किया। यही चैतन्य महाप्रभु जी के आने का मुख्य कारण है। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में कृष्ण क्यों आए। प्रेम रस निर्यास कुरिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके कुरिते प्रचारन। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई चार हेतु लीला उद्गम। तो बड़ा ही सुंदर तरीके से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने समझाया है कि प्रेम रस निर्यास कुरिते आस्वादन, राधा जी का जो प्रेम रस का जो निर्यास, यदि चूड़ांत जो प्रकाश है वदनाक्य महाभावावती, वो कृष्ण जानना चाहते, कृष्ण में भी वैसा प्रेम नहीं है, कृष्ण में भी वैसा प्रेम नहीं है जैसा राधा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो इसलिए कृष्ण में कौतूहल हुआ कि जानू तो सही, मैं साथ में हूँ, प्रेम सरोवर की बात है, श्री राधा जी कृष्ण के गोदी में है और मधुमंगल ने भ्रमर को भगाते हुए केवल इतना ही कह दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, ये सुनने मात्र से ही कृष्ण के गोदी में रहने पर भी राधा जी को वो विरह की चरम दशा प्राप्त हुआ। कृष्ण तो देख करके ताजुब हो गए कि मेरे पास है, फिर भी इसके भीतर भी विरह हो रहा है कि मानो कृष्ण से हमने मिला ही नहीं। यही बड़े ये आश्चर्य की बात है, कृष्ण वही जानना चाहा, इस प्रेम की महिमा क्या है। राधायक प्रणय महिमा, प्रणय माने जो प्रेम है, प्रेम की जो दशा है, उस दशा की महिमा को श्री कृष्ण जानना चाहा। इतना कौतूहलता बढ़ गई थी, कृष्ण से रहा नहीं गया, इसलिए जल्दी से जल्दी भिक्षा मांगी, राधा जी से भीख मांगी कि तुम्हारी ये जो
कांति है, रंग है शरीर के, वो कृपा करके मुझे दे दो। और ये जो भाव है, भाव भी मुझे दे दो। फिर भी तसल्ली नहीं हुई जब तक ललिता और जो विशाखा जो है स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के रूप में पास में रह करके बीच बीच में दिशा निर्देश नहीं दिया, नहीं ये भाव नहीं था, ये नहीं, ये वैसा नहीं था, तब तक उस भाव में पूर्ण रूप से प्रवेश कर नहीं पाए। और करने के लिए ही वे पूरी में गंभीरा में बहुत लंबे समय तक 12-12 साल तक लगातार उन्हीं भावनाओं में वे डूबे रहे गहरी रूप से। तो प्रेम रस निर्यास कुरिते आस्वादन, वो प्रेम रस का जो जो चरम सीमा जो है स्वयं उसको चखना चाहा, किंतु चखने के साथ साथ महाप्रभु इतने स्वार्थी नहीं थे, क्योंकि महापधान्य है, परम दयालु है, वो जीवों को भी उस रस को थोड़ा बहुत जो उसका श्रियम है, जो स्वभक्ति श्रियम, वो श्रियम रूपी मंजरी भाव को जो राजा जी के चरणों की दासी जो भाव है उस भाव को भी देना चाहा। इसलिए कहा गया राग मार्ग भक्ति लोके हृदय प्रचारण, ये राग भक्ति नहीं होगी, ये राग भक्ति ही ब्रज भक्ति है, और ये ब्रज भक्ति रूपी राग भक्ति नहीं होगी किसी का भी ब्रज में प्रवेश नहीं हो सकता है। और गोपियों जैसे भाव और राधा जी के चरणों की तो दासी का मंजरी का जो भावना ये कभी भी संभव पर नहीं है। तो इसलिए जो जो वस्तु जो ये ब्रज भाव या राग भाव जो ब्रह्मा शिव और उद्धव आदियों के लिए भी प्रवेश जिसमें संभव नहीं है, जिन उद्धव जी के लिए कृष्ण ने स्वयं कहा हे उद्धव तुम जितने मेरे प्रिय हो, इतना प्रिय तो मेरा पुत्र भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं, मेरा सका भी नहीं, मेरी पत्नी भी नहीं, यहाँ तक भी मैं स्वयं मेरा श्री विग्रह भी मुझे इतना प्रिय नहीं है उद्धव, तुम जितने प्रिय हो। कि तो वो उद्धव जी भी ब्रज में प्रवेश नहीं कर सके। वो यदि दुर्लभ चीज को हम यदि प्राप्त करना चाहे, ये कैसा संभव है? केवल और केवल इन चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करने पर। और चैतन्य महाप्रभु जी का ये चिन्मय भूमि है नवद्वीप धाम, नवद्वीप धाम की विशेष कृपा को प्राप्त करने पर ही वो चीज संभव पर है। इसीलिए श्री भक्तों ठाकुर जी और प्रभुपाद जी ने कृपा करके, श्री गुरु महाराज जी जो है कृपा करके नवद्वीप धाम परिक्रमा का आयोजन की है, जिसमें हम लोग 7-8 दिन 9 दिन एकत्रित रहते हुए महाप्रभु जी के विभिन्न लीला स्थलियों में हम लोग जाते हैं, और छोटी बड़ी कुछ कष्टों को सहन करते हुए हम बहुत बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित है। कितनी बड़ी चीज है वो हम सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सबा करे याचे, जो ब्रह्मा जी के लिए भी जो प्रेम प्राप्त नहीं था, ब्रज में गिड़गिड़ाते रहे ब्रह्मा जी ने गिड़गिड़ाया, प्रभो मैं कहीं मैं पशु बन करके पेड़ पौधा में बन करके आप किसी किसी प्रकार से ये ब्रज धाम में आपके दास बन करके मैं रह सकूं, फिर भी ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वही सौभाग्य को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तमाशा नहीं है, सहज नहीं है, फिर भी वो दुर्लभ चीज को प्राप्त करने में ही मजा। तो इसीलिए उस दुर्लभ चीज को प्राप्त करने के लिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी का और चैतन्य महाप्रभु जी के धाम का चरणाश्रय कर रहे हैं, कि हमें कभी न कभी श्री गुरु वर्गों की, गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से हमको जरूर उसकी प्राप्ति होगी। भले ही मैं कितना पतित हूँ, कितना मैं गिरा हुआ हूँ, कितना पापी हूँ, कितना दुष्ट हूँ, तो भी इनकी दया इतना श्रेष्ठ है कि हम जैसे दुष्टों को भी, हम जैसे पापियों को भी सुधार करके हमें वो दुर्लभ चीज देना चाहते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की, सचिनंदन गौर हरि की, प्रतिपाव नित्यानंद प्रभु की जय, धाम की जय, गौर प्रेमानंद। अब उत्तम उत्तम भाव
उत्तम उत्तम बातें हम अपने उत्तम प्रभु से सुनने की क्या कहते हैं प्रार्थना करते हैं। आप इधर ही आ जाओ, उधर आ जाएगा। गुरवे गौरचंद्राय शिलाधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। शरणम् अस्मदे परमार्थतम परम करुणामयी गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सुपर शिष्यमत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अशोक भविष्य नारायण में असिंख कोटि शास्त्री तरीवर प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरु परंपरा रूपानुग गुरुचन उपस्थित पूज्यपाद महाराज श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री ब्रह्मांडा जी रामचंद्र कौर जी कृष्ण कौर जी शिष्य विजय कृष्ण कौर जी विपिन कौर जी उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद सभी के चरणों में तथा जो विपिन करता हूँ। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हम बहुत जन्मों के बाद ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त किया और इस मनुष्य जन्म के उपरांत सत साधु सभी गुणों का सानिध्य लाभ किया और उन साधुओं के संग में धाम के महात्म को शबन करके धाम में आकर उपस्थित हुए। ये नवद्वीप धाम क्या है, इसका स्वरूप क्या है, धाम परिक्रमा का उद्देश्य क्या है, किसे धाम की परिक्रमा की जाती है, परिक्रमा का फल क्या है, ये समस्त विषय जानना आवश्यक है। सिद्ध धाम में आना ये बहुत बड़ी बात है, परंतु ये हमारा सर्वोत्तम बात भी नहीं है। इसी में बहुत ऊपर उस धाम के स्वरूप को हृदय में अनुभव करना, उसको प्राप्त करना, ये हमारा परम लक्ष्य है। इस धाम को साधक अपने अपने अधिकार के अनुरूप दर्शन करते हैं। जैसे भगवान एक हैं, परंतु विभिन्न अधिकारी लोग विभिन्न रूप में भगवान का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं वदन्ति तत्त्वतो विदः तत्त्वं च ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कोई एक ही परम तत्व को कोई ब्रह्म के रूप में जानता है, अनुभव करता है, कोई उसको परमात्मा के रूप में अनुभव करता है और कोई इसको स्वयं ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर भगवत्ता के जो परम परिप्रकाश के रूप में जानता है। तो उसी प्रकार उनके लिए धाम का स्वरूप को भी साधक अपने अपने अधिकार के अनुसार उसको साक्षात्कार करते हैं। इसी धाम को दर्शन करने के लिए हमको उपयुक्त अधिकारियों के अनुगत्य में
हमको दर्शन करना होगा। और विशेष करके हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो मूल हमारे परिचय हैं, जिसको हम रूपानुगम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, रूप गोस्वामी ही हमारे संप्रदाय के प्राण स्वरूप हैं। और उन्हीं के विचारों की अनुगत्य में, उनके विचारों की अनुरूप ही हमको इस धाम का दर्शन करना होगा। उन्हीं के दृष्टि के अनुरूप, उनके दृष्टिकोण के अनुरूप हमको दर्शन करना होगा। रूप गोस्वामी लिखते हैं इसी धाम के विषय में, जस्मिन परप्यो वदन्ति केचित् केचित् च गोलोको इति रयन्ति वदन्ति वृंदावन एव तस्मिन् तं श्री नवद्वीपम् अहं स्मरामि। मैं उस नवद्वीप धाम का स्मरण करता हूँ जिसको कोई कोई परप्योम वैकुंठ कहते हैं और कोई कोई किचित से गोलोक इति रयन्ति, कोई कोई इसको गोलोक कहते हैं, परंतु वदन्ति वृंदावन एव तज्ज्ञस्, अर्थात वास्तव जो तत्वज्ञ व्यक्ति हैं, पारस्य के व्यक्ति, उसको वृंदावन ही, अभिन्न वृंदावन ही कहते हैं और उसे अनुरूप ही दर्शन करते हैं। वास्तविक यह धाम वृंदावन के एक परिशिष्ट लीला क्षेत्र है। जिन लीलाओं को भगवान वृंदावन में आस्वादन नहीं कर पाए, उसी लीलाओं को आस्वादन करने के लिए इस गौर धाम प्रकट हुआ है। और उस धाम में आकर के ही भगवान ने उन सारे परिशिष्ट लीलाओं को उन्होंने आस्वादन किया है। परम औदार्यमय धाम है वृंदावन धाम, रसमय धाम है। वहां पर रसिक शेखर रसमय श्याम सुंदर रस का आस्वादक है, संपूर्ण रस का आस्वादन करते हैं। बस उसी रस को वितरण करने के लिए जब समय आता है, तब यह गौर रूप का धारण करते हैं और गौर धाम के रूप में जगत में आविर्भूत होते हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी अपने कीर्तन में लिखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सौ पार्षद स्वीय धाम स अवतरी। ब्रज में भगवान ने विभिन्न प्रकारों की मधुर से मधुर लीलाओं को प्रकट किया है, परंतु साधक ब्रज में रह करके साधन भजन करने पर भी उस रस का आस्वादन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अनर्थ ग्रस्त होने के कारण वह अप्राकृत ब्रज की जो लीला माधुर्य हृदय में प्रकाशित नहीं होता। तो फिर फायदा क्या है? अगर वह लीला हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ तो जीव वंचित ही रह जाता है। और विशेष करके हम कलिहत जीव अनर्थों से सर्वतोभाव से हम घिरे हुए हैं, और उस अनर्थग्रस्त अवस्था में वो अप्राकृत ब्रज तत्व ब्रज की लीला ब्रज की जो रस है, उसको आस्वादन करना, अनुभव करना ही बड़ा ही असंभवी है। इसलिए हम जैसे कलिहत जीवों की दुरावस्था को देख करके, दुर्गति को देख करके, स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर ही गौर सुंदर के रूप में इस अवधान समय नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुए, और इस धाम में आकर के उन्होंने सर्वोत्तम जो साधक का जो प्रयोजन है उसको देने के लिए जो अधिकार है, उस अधिकार को यहाँ पर वितरण किया। अगर इस नवद्वीप धाम का आश्रय न किया जाए तो कभी भी ब्रज रस में अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, आराधितो नववनम ब्रज काननम ते, नाराधितो नववनम ब्रज एव दूरे, आराधितो द्विजसुत ब्रज नागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तवे है कृष्ण। तद अगर नवद्वीप धाम का आश्रय किया गया तो वही धाम ही ब्रज के रूप में हृदय में प्रकाशित होता है। अगर नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया गया तो ब्रज एव दूरे, ब्रज बहुत दूर है। चाहे हम हजारों ब्रज में हजारों जन्म रह करके भी हरिनाम भी करते रहे, फिर भी ब्रज का स्वरूप अनुभव नहीं होगा, ब्रज रस का आस्वादन नहीं होगा। और आराधितो द्विजसुत ब्रजनाग रस्ते, द्विजसुत अर्थात जगन्नाथ मिश्र जो ब्राह्मण, उनके पुत्र के रूप में जो आए चैतन्य महाप्रभु, उन्हीं का अगर आश्रय किया गया तो वही ब्रजनागर के रूप में प्रकाशित होते हैं।
हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी से अपने पदावलियों में कीर्तन में इसको स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि देखिते देखिते श्री राधा माधव रूपे ते करीबे आला सखी गण संगे करीबे नर्तन गले ते मुगन माला हाहा मोर गौर किशोर कबे दया करी श्री गोत्रुम बने देखा दिवे मने मन छोर स्वानंद सुखद कुंजर भितरे गदा धरे बामे करी चानी कांचन बरण चांचर चिपुर नटन सुवेश धरी कब ऐसा दिन होगा मैं इस नवद्वीप धाम में गौर गदाधर के नाम लेकर के मैं भ्रमण करता रहूंगा और महाप्रभु कृपा करके अपने इस नवद्वीप धाम में मुझे दर्शन देंगे कैसे ना बाम पार्श्व में गदाधर पंडित के साथ और देखते ही देखते 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 श्री राधा माधव रूपे थे करीब आला और देखते ही देखते वही गौर गदाधर ही राधा माधव के रूप में दर्शन देंगे और सखी गण संग करीब नर्तन वह राधा माधव जी से ब्रज में ब्रज वृंदावन की जो मधुर रास स्थली है उस रास स्थली में जो रास लीलादि है उस लीला का यहाँ पर ही दर्शन होगा और जब तक इस धाम का आश्रय ना किया जाए तो ये ब्रज एवं दूरे ब्रज बहुत दूर है वो कृष्ण आराधना भी वास्तविक संपूर्ण आराधना नहीं है इसलिए गुरु वैष्णव हमको एक सुयोग तो दिया धाम में आने के लिए परंतु अगर हम उसके आगे की ओर हमारा जो परम प्रयोजन है उसको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधना नहीं की तो ये सिर्फ इतने में ही सीमित रह जाएगा धाम परम चिन्मय है अप्राकृत है अगर उस धाम का एक कण भी हमारे हृदय में स्फूर्ति हो जाता है हृदय की समस्त विकारें दूर हो जाते हैं हमारे हृदय में जितने प्रकार के इस भौतिक जगत की भौतिक विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो भी अभिलाषाएं हैं वो नष्ट हो जाते हैं जैसे कि अपने शरीर का जो जत्न है वो भी दूर हो जाता है क्यों धामी इतना सुंदर है इतने श्रेष्ठ है अप्राकृत है भक्तिनाथ ठाकुर जी अपने कीर्तन में इसको लिखा है कि कब ऐसा दिन होगा कि भोजने शयने देहर जातना छड़ी गो विरक्त हैया इस देह का जत्न भी विरक्त लगेगा अच्छा खाना पहनना रहना यह भी विरक्त प्रतीत होगा अगर धाम का एक गण भी हमारे हृदय में स्फुरित हो जाता है तो नवद्वीप धामे नगर नगर अभिमान परिहरी धामवासी गणे घरे माधुकरी लोगो खाइबो उदर भरी नदी तटे गया अंजलि अंजलि पीबो प्रभु पद जल तरु तले पड़ी आलस्य तेजीबो पाइब शरीर बल कांदिते कांदिते गौर गदाधर श्री राधा गोविंद नाम कांदिते राखी उच्चस्य भमि भमि व सकल धाम धामवासी देखी चरणे पड़ी हृदय बंधु जानी वैष्णव ठाकुर प्रभुर कीर्तन देखाइबे दास माने अब ऐसा दिन कब होगा अपना शरीर का जत्न भी बोझ प्रतीत होगा और उस लीलाओं को दर्शन करने के लिए हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होगी अब हम क्या वो स्थिति में हैं हमारा धाम के दर्शन के प्रति उन लीलाओं को दर्शन के प्रति उस प्रकार की व्याकुलता है हमारे हृदय में उन सारी लीलाओं को आस्वादन करने के लिए अनुभव करने के लिए क्या वो भावनाएं हैं अगर ऐसा है तो तब ही हमारा धाम परिक्रमा धाम का दर्शन ये संपूर्ण होगा और उसी के लिए हमारा प्रयास होने चाहिए कौन ऐसा हमको दर्शन कराएगा
जो मिला हमारे प्रबोधानंद सुनिश्चित बात कहते हैं, इस धाम में जाकर धामवासी घरे माधुपुरी लिबो खाई वो दर भरी, जो कुछ मिल जाए माधुपुरी में उसी को लेकर हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए धाम का भ्रमण करेंगे, परिक्रमा करेंगे। प्रबोधानंद सरस्वती पाद हमको लिखते हैं कि स्वयं पतित पत्रकाणि अमृतवत क्षुधा भक्षयन् तृषा त्रिदिव बंदिनी सुचिपयः अंजलि भी पिबन्। कदा मधुर राधिका रमण रास क्लिष्टलिं विलोक्य रसमग्नधि अधिबसामि वृंदाटवी। पेड़ों से नीचे गिरे हुए जो पत्ते हैं उसी को खा करके मैं अपना क्षुधा को निवारण करूंगा और दिव्या बंदिनी जो गंगा देवी हैं उस गंगा देवी के जल को हाथ में लेकर के पान करके अपने तृषा को निवारण करूंगा। और कदा मधुर राधिका रमण रास के लिए स्थली, और इसी आशा से कब ऐसा राधा रानी की जो मधुर रास के लिए स्थली है जो इसी गौर धाम में ही गुप्त रूप में प्रकाशित है, जिसको देख करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही ये समस्त धामों को प्रकाशित किया है, उस धाम की महिमा को अद्भुत रूप में उन्होंने वर्णन किया है। अब ऐसा दिन कब होगा, ऐसा दर्शन करके ही रसमग्न थी मेरा चित्त रसमग्न हो जाएगा और हृदय में रस कि अगर हमारे हृदय रस में निमज्जित है तो इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु उसको स्पर्श नहीं कर सकता और वही हमारा प्रयोजन है। कब ऐसा दिन होगा, हमारे हृदय के समस्त जो इतर अभिलाषाएं हैं भौतिक जगत की जो अभिलाषाएं हैं और साधक बनने पर भी हृदय में जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की जो कामनाएं हैं, जब तक हृदय में ये कामना भी है हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम सन्यासी भी बन जाए पर हृदय से ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना दूर नहीं हुई, ये भी हमारे धाम के जो दर्शन के लिए भी बाधक है, कभी धाम प्रकाशित नहीं होंगे। अगर वास्तव में हम धाम का दर्शन करते हैं तो ये समस्त अभिलाषा अपने आप ही दूर होगा। अगर हम धाम दर्शन कर रहे हैं और ये अभिलाषाएं दूर नहीं हो रही, ये असंभव भी है, और तब जाकर हम किसी को धाम का दर्शन करा सकते हैं। धाम में जाने पर हृदय द्रवित होता है, उस लीलाओं को हृदय में स्मरण करते हुए आंखों में आंसू आते हैं, अगर वो नहीं होता तो हमारा धाम दर्शन नहीं हुआ है। इसलिए उसके लिए भी हमको श्री गुरु वैष्णव के अनुगत में अत्यंत कातर हृदय से क्रंदन करते हुए प्रार्थना करना होगा, जिसे हमारे गुरु वर्गो ने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने किए हैं, लोचन दास ठाकुर जी ने किए हैं, हमारे सभी पूर्व आचार्य महाजनों ने किए हैं, उनके पदांक को गुरु गोस्वामी ने किए हैं, उनके पदांक को अनुसरण करने पर ही हमारा किसी ना किसी दिन उन्हीं के कृपा से निष्कपट हृदय होने पर ही ये धाम हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, तब जाकर हमारे धाम परिक्रमा संपूर्ण होगा। आज बहुत सारे वक्ता हैं, वास्तव में आज का जो प्रसंग है लीला स्थलियों की जो लीलाएं हैं वैष्णव से हम स्मरण करेंगे। मैं अंत में गुरुपाद पद्मों समस्त गुर्जर महाराष्ट्री और सब वैष्णव से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी भी हम पर मुझ पर विशेष करके अहिंसा की पास बात करो, मेरे हृदय में उस धाम के दर्शन के लिए तुमसे लोग तुमसे लालसा और व्याकुलता उत्पन्न हो और उस धाम का दर्शन करके मेरा ये मनुष्य जीवन साफ हो, यही कहकर के कथा को मैं हम साथ में रहते हैं।
का दर्शन कराने के लिए बड़ी सख्त कंडीशन रख रहे हैं। पत्ते खाओ, जल पियो। यहाँ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मूल इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है कि प्रसाद कैसे किसको मिलेगा, ये बंगालियों का प्रसाद या नॉन बंगालियों का प्रसाद, इसकी कीमत कितनी होगी, कितनी इसकी चार्जेस होगी। तो कहाँ रही आंखों में आंसू की बातें, कहाँ रहे रोंगटे खड़े हो जाने, अभी तो पहले तो पत्तों तक पहुंचना है, फिर आगे बात बनेगी। खैर अब मैं लास्ट में रामचंद्र प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो ज्यादा गड़बड़ी ना करते हुए अच्छी तरह से बोलने की यहाँ पे हिमाकत कर रहे हैं। अब घंटी ये कहते हैं कौन बजाएगा, मेरी तो बजी बजाई घंटी है, लेकिन अब जब तक है वो मेरा राज्य है, ये संचार कुछ ना कुछ तो फायदा हो गई। अज्ञान मृंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्य पुरुषम महंतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव के चरणों में लोटपोट होता हुआ उनकी समाधि के इस विशिष्ट स्थली पर हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे तन मन बुद्धि वचन में आकर प्रवेश कर जाएं और मैं उन्हीं के हिसाब से अपने विचारों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। कुछ बात भक्ति उदान सिद्ध महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, कुछ बात ईर कृष्ण प्रभु विजय कृष्ण प्रभु और उत्तम प्रभु जी के चरणों में। ये स्थान बड़ा सुंदर है, गुरुदेव तो है ही यहाँ पे सारे है, गुरु परंपरा भी है यहाँ। मैं गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ कि वो इस संचालक का संचालन करे। देखो एक चीज मैं यहाँ आज बताने की कोशिश करूंगा, गुरुदेव ने एक लेक्चर में यहाँ के बारे में और वृंदावन के बारे में कंपैरिजन में बहुत उत्तम बात कही है जो इतनी जल्दी समझ नहीं आती, वो मैं यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी दो मिनट मैं अपने स्टाइल से जैसी बात बतलाता हूँ। कई लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं खाली, भगवान नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं भगवान का अवतार है। लेकिन बस इस बात को समझ लेना कि कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो अपनी भगवत्ता को थोड़ा सा घटा देते हैं। अवतारों में भगवान की भगवत्ता यानी गॉड हेडनेस क्या हो जाती है, घट जाती है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण है तो राम जी 14 कला संपूर्ण हो गए है, कृष्ण अलग नहीं है, व्यक्ति एक ही है लेकिन उसके अंदर भगवत्ता का प्रकाश उन्होंने वॉल्यूम कम कर दिया, बिजली का पंखे का वॉल्यूम कैसे हम कम कर देते हैं ना। नारायण 12 कला संपूर्ण है, कला है नहीं, उनमें कला है नहीं द्वादश कला भगवान राम ने, मतलब कहने का तात्पर्य कला से मेरा मतलब है भगवत्ता, गॉड हेडनेस। नरसिंह में भी है, वही भगवान है, अलग नहीं है, लेकिन गॉड हेडनेस क्या है, कम है। लेकिन महाप्रभु जी
स्वयं कृष्ण भगवान सारी कलाओं और भगवत्ता के समेत हैं, पर इतने से भी पेट नहीं भरा उनका, तो राधा जी का भाव ऊपर से ले लिया। तो अब जितना वो है उससे और अधिक हो गए, तो इसलिए मैं महाप्रभु जी को कृष्णा प्लस कहता हूं। खाली कृष्ण नहीं है वो, कृष्ण प्लस है। श्री गुरुदेव ने अपने एक लेक्चर में बड़े सुंदर रूप से बताया, सतयुग का जो तीर्थ है वो पुष्कर है, मान्यता पुष्कर तीर्थ की सबसे अधिक, और त्रेता का जो तीर्थ है वो प्रयागराज है, और द्वापर का तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र है जिसमें भगवान स्नान करने के लिए गए थे, भागवत में उसका वर्णन है, सूर्य ग्रहण के समय गए। और कलयुग का जो तीर्थ है वो कौन है, वो नवदीप है, वृंदावन को भी नहीं बोला है, किसका नाम बोल दिया, नवदीप धाम को। तो नवदीप धाम और वृंदावन में अंतर क्या है, जाना हमको वृंदावन धाम में, प्रेम हमको राधा कृष्ण का प्राप्त करना है, लेकिन वाया नवदीप धाम, डायरेक्ट नवदीप धाम में और डायरेक्ट वृंदावन धाम में हम जाएंगे तो वो चीज मिलेगी नहीं। तो गुरुदेव अपनी बात को प्रस्तुत करते समय ये शब्द कह रहे हैं कि पहले मुझे भी नहीं समझ आता था, ये कह रहे हैं शब्द, पहले मुझे भी नहीं समझ आता था, अब थोड़ा थोड़ा सा समझने लगा हूं। मतलब क्या, जिस चीज को गुरुदेव कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आता था ऐसा तो हो नहीं सकता, और अब थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है हम लोगों के लिए समझना अत्यंत जटिल है, अत्यंत कठिन कार्य है। कि कहा यह जाता है कि ये धाम इसलिए अच्छा है कि ये अपराध का विचार नहीं करता, और वृंदावन में या मथुरा में और क्या कहते हैं गोवर्धन में कहीं भी बैठे भगवान का नाम करेंगे तो वो कृष्ण नाम और कृष्ण धाम अपराध का विचार करता है, और ये वाला धाम अपराध का विचार नहीं करता, इसलिए अपराधी यहाँ आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं अपराध किए जाओ और यहाँ रह सकते हो, समझना वो क्यों, उसको भी उसको गुरुदेव ने बड़ा अच्छी तरह से समझाया। तो गुरुदेव बोलते हैं ये धाम और दार्यपूर्ण धाम है, और वो धाम माधुर्यमय धाम है। कौन सा धाम, वृंदावन। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या, ब्रह्मा जी भी गए तो वहां पे उस चीज को नहीं प्राप्त कर सके, उद्धव जी भी गए वहां पे उस चीज को प्राप्त नहीं कर सके, इतना जबरदस्त माधुर्यमय धाम है। तो माधुर्यमय धाम का मतलब है यहाँ पर कृष्ण एकदम लौकिक सर्वबंधुवत मनुष्यवत नरवत लीला कर रहे हैं। कैसी लीला कर रहे हैं, नरवत ह्यूमन लाइक रिलेशनशिप की लीला कर रहे हैं। वहां भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर वो एक साधारण बालक के रूप में करते हैं, माँ यशोदा की गोदी में लेटते हैं, स्तनपान करते हैं, जमीन पे लोटपोट हो जाते हैं, कहते हैं गोदी ले, और माँ कहती है तू गंदा है जमीन पे लेट रहा है और मैं से गोदी मांगता है। जब उनको कहा जाता है नंद बाबा को कि तेरा बेटा भगवान है उसको जरा संभल के कर, तेरी बीवी तो उसके कान उमेट देती है, थप्पड़ मार देती है, डंडा मारती है, बोलते वो भगवान तुम्हें कहाँ से लगता है, लोगों के घर चोरी करता है, एक सेकंड दूध लेट मिले तो घर में तरतल्ली मचा देता है, तुम उसको भगवान कहते हो, झूठ वो बोलने में नंबर वन है, कहां से भगवान के लक्षण दिखाई देते हैं। मनुष्यवत लीला जब भगवान और भक्तों में मनुष्य, इसलिए मनुष्य शरीर का बहुत महत्व है, क्यों महत्व है, इस ही रूप में और इन्ही रिश्तों के अंदर भगवान अपनी चरम लीला को प्रकाशित करते हैं, इसलिए मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें जो संबंध है वो है संबंध प्रकार होते हैं वही राग कहलाते हैं, इसलिए वहां की सारी चीज रागात्मिक है। कहां पे, ब्रज धाम में जो प्रेम है वो कौन सा है, रागात्मिक।
तो इसलिए वो रागात्मिक यहाँ पे चीज होती है, वो माधुर्यमय धाम होता है। और ये धाम औदार्यमय है क्योंकि यहाँ पे अपराधी भी एडमिट हो जाते हैं, वहां अपराधी एडमिट ही नहीं हो सकते। अब गुरुदेव एक शब्द बोलते हैं, बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, अरे अपराधियों की तो बात छोड़ो, अपराधियों की तो बात छोड़ो, हम श्रद्धा से भक्ति शुरू करें, श्रद्धा से ऊपर उठी निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव में आदमी के सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। जब सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं उसकी वो मुक्त अवस्था आ जाती होती है। वो मुक्त अवस्था में भी जीव अभी वहां जाने के लायक नहीं है। गुरुदेव बोल रहे मुक्त अवस्था में भी जीव वहां जाने के लायक नहीं है। कौन जाते हैं वहां पे? वहां पे ऋषिचरी जाते हैं, मुनिचरी जाते हैं और श्रुतिचरी लोग जाते हैं जो उस लेवल पे पहुंचे हुए रहते हैं। हजारों सालों की तपस्या करके ऋषियों ने दंड कारण्य में अपने को एकदम अनर्थ मुक्त कर दिया, लेकिन वहां जाने के योग्य अभी नहीं बने। फिर राम को देखा तो राम को देखकर अंदर से गोपियों वाला भाव का आवेश आया, तब राम जी ने कहा कृष्ण लीला में अब तुम जाने के योग्य बन गए हो, अभी भी बात बनेगी नहीं। फिर जब कृष्ण की लीला हुई वही ऋषिचरी गोपियों के घर में पैदा हुए, गोपी बनकर आए, लेकिन वो मुक्त पुरुष हैं, वो प्रेम की अवस्था तक पहुंच गए हैं, वो भाव को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सके। उनको, उन गोपियों को कौन सा व्रत करना पड़ा? कात्यायनी का व्रत करना पड़ा। कात्यायनी का व्रत करने के बाद फिर उनको गोपियों का संग मिला। कौन सी गोपियों का? जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं उनका संग मिला, ललिता विशाखा राधा रानी का, और उनके कपड़े उठाए गए, तब वो इस योग्य बनती हैं कि वो कृष्ण की लीला में भाग लें। तो भैया रामचंद्र दास तो किस खेत की मूली है जो वहां जाने का सोच रहा है? तो किस खेत की मूली है? अब वहां तो हम जा नहीं सकते, वहां जाने के लिए हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शन है, ये यूनिवर्सिटी का वो डिपार्टमेंट है, यहाँ पीएचडी की जाती है, पीएचडी करने के लिए वही जा सकते हैं जिन्होंने एमए तो कर लिया, एमफिल भी कर लिया, वही जा सकते हैं। तो फिर भैया हम तो किंडरगार्टन में जाएंगे, वहीं से हमारा काम शुरू होगा। तो किंडरगार्टन में जाने वाले के लिए कौन सा धाम है? ये नवदीप धाम है। यहाँ पे वही कृष्ण उन सबको एडमिट कर लेते हैं जो किंडरगार्टन के रहते हैं। बात समझ आ रही है? जो किंडरगार्टन के लायक हैं महाप्रभु जी उन सबको यहाँ एडमिट कर लेते हैं। अब एडमिशन का मतलब ये थोड़ी है कि तुम किंडर में हमेशा रहो। गुरुदेव कई बार ये कहते थे कि एक ही स्थान पे पड़े रहो, ये नहीं है, तुम्हारे को यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा अमेरिका में मैं जाता हूँ, वहां क्या देखते हैं, बड़ी तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है, नए नए कॉलोनिया बन रहे हैं, नए नए स्थान बन रहे हैं। तो मकान है, मकानों की कीमत इस बात पे निर्भर करती है कि उस कॉलोनी में स्कूल कैसा है। अगर स्कूल बढ़िया है, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई अच्छी है, वहाँ के टीचर अच्छे हैं, उस कॉलोनी के मकान महंगे होते हैं। वैसे ही मकान दूसरी कॉलोनी में हो वो मकान महंगे नहीं। तो इस तरह से साधन की स्थलियों में जो स्थान साधन में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ साधन करा सकता है और बड़ी जल्दी से प्रमोशन दिला के हमें ऊपर कर सकता है, वो वाला स्थान, वो वाला स्कूल जहाँ पे है, वो वाला टोल जहाँ पर है, वो ये नवदीप धाम है, जिसमें हमें बड़ी अच्छे टीचरों के साथ यहाँ वैसे बने रहना है, यहाँ वैसे बने रहना। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई जैसे अपराधियों को पकड़ के भक्त बना दिया। गुरुदेव बोलते हैं कभी आपने सुना कि वृंदावन में वो लोग वृंदावन में सनातन शिक्षा बताई गई या रूप शिक्षा बतलाई गई? वो साधन स्थल ही नहीं है। रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को बताई और लोगों को बताई, साधन करने का बताया, जाओ नित्यानंद प्रभु, जाओ हरिदास प्रभु, सबको जाओ, जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश, सबसे कृष्ण नाम कराओ, ये साधन है, ये कराओ।
वहाँ ब्रज में नहीं कहा कि कृष्ण नाम करो, कहीं भी एक ऐसा टीचिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पहुँचता ही वो है जो जो खाली मुक्त भी नहीं है, जो आवेश युक्त है वो वहाँ पहुँचता है, प्रेम से भी ऊपर की जिसकी स्टेज है। हमको वो स्टेज प्राप्त करनी है। प्राप्त कहाँ से होगी? वो नवदीप धाम से होगी। नवदीप धाम में वो हम साधन करेंगे, साधन कराने वाले टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहीं पे विद्यानगर है। विद्यानगर का मतलब ये है वहाँ पे सारी तरह की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं और हाईएस्ट क्लास के टीचर्स वहाँ पे बैठे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने खुद आके यहाँ पे टीचर का रोल अदा किया और सारे टीचरों को परास्त करके खुद हाईएस्ट टीचर बन गए। बोलते ये स्थान जो है जहाँ पे अध्ययन करने वाले, यहाँ पे साधन करने वाले, यहाँ पे पढ़ने वाले, यहाँ पे ऊपर उठने वाले, सबका यहाँ पे कल्याण होगा। यहाँ आओ, और किसी जगह चावल मांग लिए तो महाप्रभु जी ने उसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्यों? पहुंचाना कहाँ था उसको? उसे गोलोक वृंदावन में पहुंचाना था, उस लेवल तक पहुंचाना था। तो साधन करते 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 उस लेवल तक पहुंचना है कि हम कहां जाने के लायक बन जाए? गोलोक वृंदावन के लायक बन जाए। इसलिए जिस समय अपनी यंग अवस्था में, 15 साल की अवस्था में जीव अपने घर को छोड़ के पढ़ाई लिखाई करके सबसे पहले उन्होंने नवदीप में प्रवेश किया, नवदीप धाम देखकर गदगद हो गए, यहाँ लोटपोट हो गए। फिर वो नित्यानंद प्रभु को खोजने लगे, नित्यानंद प्रभु को मिले, उनके चरणों में जाके एकदम नतमस्तक हो गए और फिर उनसे प्रार्थना करने लगे, महाप्रभु जी की लीला देखूंगा। बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम्हें वहां भी नहीं जाना। बोलते फिर जाना कहा है मुझको, तुम वृंदावन में जाओ। तो उन्होंने पूछा कि नवदीप, अगर आप कहते हो ये टाइम थोड़ा सा है, 2 मिनट और बोलता हूँ। गुरुदेव जो यहाँ बात बतला रहे हैं, बोलते हैं कि बड़े बड़े आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी रहते कहाँ थे? वृंदावन में। लेकिन कौन सी लीला का स्वादन करते थे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ बैठे बैठे कौन सी लीला का स्वादन कर रहे हैं? वृंदावन की लीला का स्वादन कर रहे हैं। इसका मतलब है इस धाम में कौन सी लीला है? वृंदावन लीला छुपी हुई है। तो वृंदावन जाने के लिए साधन करने के लिए आता है, ये साधन स्थली है और वो सिद्ध स्थली है। तुम्हारा साधन पूरा हो चुका है, अब तुम यहाँ के लिए नहीं, तुम वहाँ के योग्य हो, इसलिए तुम वहाँ चले आओ। तो बोलते हैं ठीक है, मैं वहाँ चला जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ की परिक्रमा तो करा दो। उन्होंने कहा हाँ, तुम यहाँ परिक्रमा करा दो। और इसी परिक्रमा को देख देख के आने वाली सारी जनता जनार्दन और दुनिया और ब्रह्मांड के लोग परिक्रमा किया करेंगे। वही परिक्रमा उन्हीं के अनुगत में हम जीव गोस्वामी जी और नित्यानंद प्रभु के अनुगत में हम ये परिक्रमा कर रहे हैं और गुरुदेव हमें ये परिक्रमा करा रहे हैं। गौर प्रेमानंद।